झारखंड में 10 संगठनों को मिलाकर जनमत बना और जनमत ने सबसे पहले 10 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है और आज घोषणा पत्र भी जारी हो गया है। हमारे साथ नेतृत्वकर्ता सूर्य सिंह बेसरा हैं, पूर्व विधायक हैं और पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और अब एक जनमत जो कि कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का तीसरा मोर्चा है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, खुद घाटशिला से प्रत्याशी भी है। दादा घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, बहुत सारे बातों को उसमें आप लोगों ने इंक्लूड किया है, प्राइम फोकस क्या है? हमारा प्राइम फोकस है 10 पार्टी का गठबंधन का नाम महागठबंधन हुआ, जनमत हुआ और पहला है पिछले सप्ताह हम लोगों ने सहमति बनी तो 10 पार्टी में एक एक व्यक्ति का नाम बोलिए जहां पे आपको लड़ना होगा। तो वो 10 कैंडिडेट पिछले सप्ताह घोषणा हो चुका है कौन विधानसभा और कौन उम्मीदवार हो चुका है। आज हमको लगता है कि टोटल हम लोग देख रहे हैं आउट ऑफ 81 सीट में अगर 41 आंकड़ा आता है तो साधारण बहुमत बोला जाता है, इंग्लिश में सिंपल मेजोरिटी बोला जाता है, सरकार बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि एक एक तो 10 हो चुका है, अभी अगर तीन तीन सीट आज अभी बातचीत चलेगा, तीन तीन सीट सहमत हो जाए तो टोटल प्रत्येक पार्टी को चार चार पाला मिल जाए, 41 का सरकार बनाने का आंकड़ा आज सीट शेयरिंग हो जाने की संभावना है। बाकी 40 सीट को रिजर्व रखेंगे, आने वाला दिन में कोई आंदोलनकारी है, आने वाला दिन में कोई नाराज है, बागी हो गया, अच्छा कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, ये स्वाभाविक है, जो भागदौड़ होता है, सीता गया, गीता गया, चंपा आया, इस तरह का चुनावी माहौल में होता है। तो हम लोग हड़बड़ी करके 81 सीट के टोटल नहीं करने वाले, हमारी स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल में, तो आज 41 पे सहमत बन जाएगा। दूसरी बात है हमारा जो फोकस पॉइंट है, करीब 50 गो पॉइंट हम लोग ऐसा बना दिया गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस का उदाहरण एक देगा, इसको हमने स्टडी है काफ़ी, क्योंकि 10 पार्टी मिला के हमको पाला तो चेयरमैन बना दिया, हमने सबके सहमति से 5 प्रेसिडियम बना दिया, 5 अध्यक्ष मंडली बना दिया और 10 पार्टी का 10 आदमी को संयोजक मंडली बना दिया, बाकी को कार्यकारिणी समिति बना दिया और हमको जो है ना जिम्मेदारी बना दिया चेयरमैन। पिछले बैठक में तय हो गया कि हम लोग कांके में बैठक किया कि भाई हम लोगों का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एक तो एक पार्टी का एक व्यक्ति को चेहरा सामने लाना हड़बड़ी बोलता है, नहीं कर पाता है। तो इस समय 10 पार्टी का पहला सर्वमान्य नेता के रूप में, नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा तो उन लोगों ने हमको घोषणा किया, मेरा नाम प्रस्तावित मुख्यमंत्री भी रखा है। तो ये बहुत बड़ा ये चुनाव तो मेरे लिए चुनौती है, चेयरमैन होना, संचालन करना, अध्यक्ष करना उतना कठिन काम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा होना मतलब बीजेपी गठबंधन का चेहरा के लेवल में तुलना करना है, शिबू सोरेन और सूर्य सिंह बेसरा को तुलना करना है, हेमंत सोरेन का टैलेंट और सूर्य सिंह बेसरा का टैलेंट को, अनुभव को, पढ़ाई को, लिखाई को, डिग्री को, डिप्लोमा को, अनुभव को, आपने मैं लिखता हूं, पढ़ता हूं, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन 10 पॉइंट में हमने सबसे बड़ा फोकस किया है कि स्थानीय नीति, आरक्षण नीति और नियोजन नीति, तीनों नीति बहुत चैलेंजेबल रहा है, चुनौतीपूर्ण रहा है। 24 वर्षों के अंदर में 13 मुख्यमंत्री बने हैं और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, अगली बार 6वां विधानसभा चुनाव दस्तखत दे चुके हैं, हम लोग तैयारी कर रहा है सीट शेयरिंग वगैरह का, गठबंधन का चिंतन मंथन कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन, कौन नेता बनेगा, ये तो क्या नीति बनेगा ये तय नहीं है, किसको कितना सीट मिलेगा इसमें ज़्यादा फोकस है उन पार्टियों की, चाहे JMM गठबंधन हो, BJP गठबंधन हो, क्या नीति बनेगी, कौन नेता बनेगा, यहाँ पर कौन नेता बनेगा ये डिक्लेयर हो चुका है 10 पार्टी में जनमत में। तो आपकी दावे, आपके जो है दावे हैं, प्रत्याशियों में इतना दम है कि वो सीट निकाल पाए? दम मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, इतिहास बोलता है हिस्ट्री रिपीटेड्स इटसेल्फ, इतिहास की पुनरावृत्ति भी होती है। मैंने आसाम का मूवमेंट को देखा है, छात्र जीवन में JP आंदोलन को देखा हूँ, JP आंदोलन 74 में JP आंदोलन हुआ, 77 में सत्ता परिवर्तन हो गया, इंदिरा गांधी तानाशाही निकली, इमरजेंसी 1975 में लागू किया, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम चंद्रशेखर तक तमाम अपोजिशन को जज फर्नांडेज मदुले में सबको जेल में डाला है। तो बाद में ऐसे परिवर्तन आ गया कि पूरे देश में जागरूकता आ गया, अचानक आ गया, मुद्दा नहीं था, मुद्रा नहीं,
आजकल मुद्दा नहीं है, मुद्रा का राजनीति होता है। हम फिर वही पुराने चीज को लाने जा रहे हैं, मूल्यों की राजनीति, मुद्दों की राजनीति यहाँ पर हावी है। मुद्रा का राजनीति, पैसा ही पैसा, रुपये सब भ्रष्टाचार हावी हो गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम विकल्प देंगे, जनता त्रस्त हो चुकी है और पार्टियां पस्त हो चुकी हैं। अब देख ये बीजेपी 17 साल तक मौका मिला, 24 वर्षों में 17 साल, बाबूलाल मरांडी 2.5 साल राज किया, कोई उपलब्धि नहीं गिना सकता है। अर्जुन मुंडा बीजेपी का 3 बार मुख्यमंत्री बना, कोई नीति निर्धारण नहीं कर पाए। रघुवर दास 5 साल मिला, पहला मुख्यमंत्री गैर आदिवासी रहा है बीजेपी का, जो 2014 से 2019 तक 5 साल कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने 3 ऐसा काम किया जो जनविरोधी हुआ, आदिवासी उसे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उसका परिणाम भुगतना पड़ा रघुवर दास को, खुद चुनाव हारना पड़ा। 5 साल शासन काल में उन्होंने 1985 को आधार मान करके इस चार नीति परिभाषित किया, जनता ठुकरा दिया और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को 2.5 मिनट के अंदर में बहुमत की सरकार में विधानसभा पारित कर दिया, वो भी नहीं ठहरा, राज्यपाल साइन नहीं किया, विरोध हो गया। तो ये 17 साल के अंदर में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, रघुवर दास मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा, 3-3 मुख्यमंत्री को समय मिला, लेकिन कोई नीति निर्धारण में सक्षम नहीं हुआ। इधर देख लीजिए कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री, फिर देख लीजिए आपका ये उनका बेटा हेमंत सोरेन 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री, बारी बारी से बाप बेटा परिवार बात किया, लेकिन इन लोगों ने भी नीति निर्धारण नहीं। किसी भी राज्य चलाने के लिए स्थानीय नीति परिभाषित बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य के लिए शिक्षा नीति बहुत जरूरी, झारखंड में नहीं है, किसी भी राज्य के लिए आरक्षण नीति लागू करना बहुत जरूरी है, किसी भी राज्य चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत है, यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, अपराधिक बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया है। आज जो हेमंत सोरेन खजाना खाली कर रहा है, 5,000 करोड़ रबड़ी बांट रहा है, 1,000 रुपया में लोक लुभावन है, तो 1,000 रुपया परमानेंट सोलू नहीं है। आपका चुनाव 1 महीना बाद है, तो आप जनता को 1,000 रबड़ी बांट रहे हैं, आप खुश कर रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। हम लोगों ने आज जो घोषणा किया है वो है प्रत्येक परिवार को 1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी गारंटी, चाहे पारा टीचर हो, चाहे परमानेंट टीचर हो, पारा मेडिकल हो, नर्स हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, प्रत्येक परिवार में अगर सरकारी रोजगार योजना से अगर जोड़ देंगे, उनको पलायन करना नहीं पड़ेगा। अब 20 लाख लोग कोरोना काल में पलायन कर गए थे, अब गांव को आत्मनिर्भर गांव बना रहे हैं हम लोग। उस गांव में को क्या देंगे, 5 करोड़ की बजट देंगे, 5 करोड़ कम है क्या? अभी विधायक लोगों को दे रहा 5 करोड़ रुपया, क्या पॉकेट खर्चा, 1 साल में 5 करोड़ विधायक को दे रहा है और उसके बाद 5 साल में 25 करोड़, ये पॉकेट खर्चा जिसका ऑडिट नहीं होता है, नाजायज है, वो संविधानिक है, वो पैसा को बंद कर देंगे हमारी सरकार। विधायक फंड 5 करोड़ जन कल्याणकारी योजना की नहीं, नहीं नहीं बेकार है, ऑडिट नहीं होता, मैं खुद इंक्वायरी, मैं जानता, नीति बनाता हूँ सब चीज, केंद्र सरकार का नीति, बजट, रेल बजट मुझे आता है, सब बनाना बजट। अभी झारखंड में 1,20,000 करोड़ का बजट आता है और जानते हैं पर कैपिटा इनकम झारखंड में कितना है, 60,000 सालाना, और नेशनल औसतन 1,20,000 नेशनल लेवल में पर कैपिटा, 1,20,000 झारखंड में 60,000 मात्र, कर्ज कितना प्रति व्यक्ति 25,000, पूरा आंकड़ा, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, बाकी और भी लोग है बुद्धि देने वाला लोग, हमारे टीम है, तो हम लोग गुड गवर्नेंस का प्लान किया है और युवा झारखंड में 60% युवा है, जिसको हम लोग IAS, IPS, BDO, CO जो कोचिंग करते हैं, जो कोटा जाते हैं IIM, IITs, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फ्री में कोचिंग कराएंगे और जितने सामग्री सब मुहैया कराएंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दिल्ली में कोचिंग जाना नहीं पड़ेगा, अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, भेलोर नहीं जाना पड़ेगा, बेंगलोर, अच्छा ट्रीटमेंट के लिए भेलोर नहीं जाना पड़ेगा, मेडिकल सिस्टम ऐसा को दुरुस्त करेंगे, कोचिंग के लिए बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, ये तमाम हम नया मॉडल, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक सारा चीज, एग्रीकल्चर तक, बेरोजगार तक, गांव तक, तो तमाम हम ये बोलेंगे कि 2024 में पैटर्न चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल पैटर्न, जैसे सिलेबस चेंज नहीं होता स्कूल कॉलेज में, इस बार का राजनीतिक सिलेबस झारखंड में परिवर्तन कर देंगे और चुनाव पब्लिक में जाएंगे, जरूर निश्चित रूप से जनता चॉइस करेगी कि बीजेपी को 17 साल, बाद बाकी जेएमएम को, तीसरा विकल्प लाया हूँ, एजुकेटेड, डेडिकेटेड,
यही विकल्प है, कामयाब होंगे उम्मीद है हम लोग। युवाओं पे फोकस है आपका, युवा की एक और पार्टी है जयराम, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप चाह भी रहे थे कि सीएम का चेहरा है, लेकिन सिनारियो जो है पूरी तरह से बदला, अब वो दूसरी पार्टी है, आपका परामर्श नहीं लेना चाहते हैं, अब आप सीएम के चेहरा के रूप में जो है कहीं ना कहीं आप स्थापित कर दिया है, मैं तो आप कहा तुलना कैसे कीजिए जयराम महतो से अपना? तुलना में तुला होता है, गांव के भाषा में तुला, शहर के भाषा तराजू, तो तराजू में तो लो, एक तरफ पत्थर रखो, एक तरफ मटेरियल रखो, एक तरफ रखो तराजू में तोलो जयराम महतो को, दूसरे तरफ सूर्य सिंह बेसरा को। राइटर फाइटर बोलने से सूर्य सिंह बेसरा नहीं है, मैं कलम पकड़ता हूँ तो इतिहास लिख देता हूँ, अब वाणी बोलता हूँ तो कविता सरस्वती निकल जाता है। 10 भाषा बोलने वाले, झारखंड का रत्न का उपाधि मिला, साहित्य में आया तो साहित्य का हमको उपाधि मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और जब मैं आंदोलन किया तो झारखंड का फाइटर का उपाधि मिलता है, और मैं विधायक बना त्याग किया तो उत्कृष्ट विधायक का मुझे सम्मान मिलता है। सम्मान का मुझे भूखा नहीं है, जानकारी तजुर्बा अनुभव बहुत जरूरी है, केवल आप भाषण दे दिया वो नहीं चलेगा। इसीलिए हमको लगता है जयराम महतो जो राजनीति का जो रेडर होते, रेडर रेडर से आउट हो जाना, जैसे कोई प्लेन उठता है रेडर रडर, और रडर से आउट हो गया उसका, जो रडर से आउट और उसका जो कैडर है वो परिपक्वता नहीं है, नाबालिग सब लोग है, कम मैक्सिमम वोट लाए लोकसभा चुनाव में, नहीं वोट तो लाया वो तो क्या है, 1 करोड़ वोट ला देंगे उसमें क्या हो जाएगा, 1 जीत जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, तो आप सबको लेके नहीं चलने वाले हो, और आप अपने ही स्वयंभू नेता आप घोषित करते हो सबको जाए, हम स्वयंभू नेता नहीं है, 10 आदमी निर्णय लेता है, आज भी सीट शेयरिंग हम रबड़ी बांट देंगे ऐसा नहीं होगा, कितना माथा पीछी होगा रात भर में, आज मजाक बात है लीडरशिप देना, तो उसको जो है ना एक एक बारी किसे बात करना है। दूसरी बात है मेडिकल फेल है कि नहीं झारखंड में, है कि नहीं है, यहाँ पर आपराधिक बढ़ा के नहीं, ग्राफ देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, माओवादी तो अलग बात है, वो तो अलग बात है, अलग फंडा है, लेकिन अंदर खाने में आपराधिक कितना ज्यादा हो गया, क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, यहाँ क्राइम करप्शन दोनों कंट्रोल करना पड़ेगा। दादा आपको चुने कि जयराम को चुने, जनता कैसे डिसाइड करे? उसको सुने, बिसरा को चुने, अच्छा सुने उनको और चुने आपको, नहीं क्वालिटी एबिलिटी देखना होगा कि आप एक टीचर की जगह विदाउट बीएड आप टीचर के पात्रता नहीं है, वो भी पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी में क्या, पीएचडी तो बहुत आदमी पीएचडी किया है, साला माला गाली दोगे, रे वे बोलोगे, काट देंगे कर देंगे, बाहरी भीतरी बोलोगे, ये सब नहीं चलेगा। सूर्य सिंह बेसरा का लीडरशिप क्वालिटी आज के तारीख में उसको देखिए, और 86 से 89 देखिए, अरे मैं वो आंदोलन किया, 10,000 सेना को ट्रेनिंग किया रे भाई, मैं ऐसे आंदोलन के अलग झाड़ बना दिया भाई, राजीव गांधी से टेबल टॉक, बूटा सिंह से एग्रीमेंट का पेपर देख लिया भाई, कहाँ गया भाई कागज, ये हंसदा जी कागज मेरे पास है, वो लाया है एक तो राजीव गांधी साइन किया जी, वो वाला किताब सूर सिंह किया है, वैसा मुख्यमंत्री से एग्रीमेंट किया है खतियान पे, खतियान का आंदोलन फेल, भाषा का आंदोलन फेल, आदमी को आप कर रहे हैं इस तरह का भाषण, तो जो है ना ये मैंने कन्हैया कुमार के आगे में कोई भाषण देता था क्या, आज गुम हो गया है ये, नहीं जी बड़ा वाला, तो उसके बाद जो है ना फिर भाषण से कोई नेता नहीं बनता है। सूर्य सिंह बेसरा का आज से 35 साल पहले आप जो भाषण देते वो एक बार की दो बार जेनी हो गया, मैं 5 बार स्पीच दिया हूँ, बीबीसी लंदन मेरा इंटरव्यू हुआ है 89 में कलकत्ता से, उसका नाम है सुनील भोई, और उसके बाद हमको टाइटल दिया फायर ब्रांड मुहासिता देवी, मुहासिता देवी बहुत बड़ी आज के दुनिया में नहीं है, तो हम कहाँ वो कहाँ कोई तुलना नहीं है, फायर ब्रांड, फायर ब्रांड तो वो सब तुलना छोड़िए, हम अपने से स्थानीय नीति बनाते हैं ड्राफ्ट, उनका 1932 नहीं चल तो नहीं चलेगा, उसका हेमंत सोरेन का नहीं चला, गवर्नर लौटा दिया 3 बार हैं, हाईकोर्ट बोल दिया स्थानीय नीति रिजेक्ट कर दिया, ये हेमंत सोरेन का भी नहीं चला, और ये जो 1932 बोल रहा है पूरे झारखंड में 1932 नहीं, मैं जहाँ से आता हूँ कोलान 1964 का है। अच्छा घाटशिला से आप प्रत्याशी हैं, 2019 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो आपको उतना वोट नहीं मिला था, लगभग 2200 वोट मिला था, तो क्या लग रहा है इस बार जो जनता है उसको, उनको आप लुभा पाएंगे, उनको अपने हक में ला पाएंगे, और जो योजनाओं की बात कर रहे हैं, जो घोषणा पत्र में बातें किए हैं, वो घोषणा पत्र से आकर्षित होकर लोग वोट करेंगे?
ए भाई जनता को लुभाना, हड़िया देना, दारू देना, लैपटॉप देना, मोबाइल देना, गाड़ी देना, फलना देना। मधु कोड़ा का याद है, मधु कोड़ा जेल में था, 4,500 करोड़ घोटाला किया था, 2 साल तक मुख्यमंत्री ना दल ना बल निर्दल, मधु कोड़ा। बीजेपी अभी जो बोरो प्लेयर लाया है मधु कोड़ा को, जेल में रह के जाम लोकसभा चाईबासा का जीत गया। कैसे जीता मालूम है ना, 500 मोटरसाइकिल फ्री में बांटा, 5,000 साइकिल फ्री में बांटा, 100 समूह गाड़ी फेंका, वोटर को इनवेलप में 500-500 दिया। ये राजनीति है क्या? अरे जनता को बोलना है गलत है, लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र को जानो। देश आजाद हुआ, गुलामी क्यों खटते हो? 20 लाख लोग झारखंड राजपाट चल रहा है, 20 लाख लोग गुजरात चला जाएगा। गुजरात का आदमी कितना है झारखंड में? गुजरात के लोग यहाँ पे काम करता है, रेजा कुली। पंजाब में चला गया हमारा आदमी, पंजाबी आएगा रेजा कुली खटने झारखंड में? पंजाब से आता है काम करने, तुम पंजाब क्यों जाते हो? तो ये मानसिकता चेंज करना पड़ेगा। आज नया सर्वे आया है, 24 साल के अंदर में 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गांव से गायब कर दिया, कोई दलालों ने बेच दिया, दिल्ली में आया का काम कर रही है, बॉम्बे में बेच दिया। ये शर्मनाक नहीं है? चुल्लू भर पानी में डूब मरने का ये सरकार को है? तुम जांच करो, मैं रिपोर्ट बता रहा हूं। सरकार बांट रही है 1,000 रुपया दारू हड़िया पीने के लिए, लोग लुभावन कर रहे हो। 1,26,000 कुंवारी आदिवासी लड़की गांव में नहीं आए, सर्वे करो। मैं चुनौती देता हूं, दवा करता हूं। क्षेत्र की जनता को कैसे समझाएंगे? मंत्री है रामदास, रामदास को रामदास सोरेन मंत्री भी बन गए हैं अभी पर मौजूद नहीं। झारखंड का सब चोर चूहा लुटेरा अली भवन 40 चोर, सब मैट्रिक फेल। जो मैट्रिक पास करता है सरकारी नौकरी, बीएड करता टीचर बनता, एमबीए एमबीबीएस करता डॉक्टर बनता, एलएलबी करता तो लॉयर बनता है। एक भोके जो मैट्रिक फेल, जो डिगबाजी मरा, वो साला राजनीति में आ गया। ये है कमिटी ऑन झारखंड सुर सिंह बिसरा का, ये कभी पढ़ लीजिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल। जयराम को बोले आपका कोई रिकॉर्ड है? बेसरा का एक कोड है, आजसू का, एक आजसू एक बेसरा, हिला दिया दिल्ली को। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा, 4। यहाँ 5 मुख्यमंत्री बीजेपी के पास आया, और मैं 4 मुख्यमंत्री को हिला के दिल्ली में ज्योति बसु को, जेबी पटनायक को, सबको वहाँ दिल्ली में बैठा दिया राजीव गांधी के साथ। यही सूरज सिंह बेसरा एमएलए बाद में बना, रिकॉर्ड का जिंदगी का ही है। कमिटी ऑन झारखंड में था, इसी में झारखंड राज्य बना। ये जिंदगी का सबसे महाभारत रामायण बाइबल से बड़ा मेरे लिए, इतना बड़ा चीज है, उसके साथ तुलना? कल का लौंडा छौंडा कुछ नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं है। उसको सबक सीखेगा आने में। हमने यही सलाह देंगे कि पढ़े लिखे लड़का को वीडियो बनने दो, सीईओ बनने दो, आईएएस बनने दो, उसको बर्बाद मत करो। सब नौजवान राजनीति नहीं कर, हम भी आंदोलन में 10,000 सेना को तैयार किया, लेकिन आज वो सेना को, आज कोई आईएएस बना, आईपीएस बना, डीएसपी बना, पुलिस बना, प्रोफेसर प्रिंसिपल बना, जो नहीं बना वो आज भी पेंशन और पहचान नहीं मिला। मैं लड़ रहा हूँ आज भी आंदोलनकारी का, इसलिए ये जो राजनीति कर रहा है जयराम, इस तरह की राजनीति नहीं है। बड़ा बड़ा बीजेपी से टक्कर लेना होगा, जेएमएम सत्तारूढ़ से टक्कर लेना पड़ेगा। भाषण से सत्ता बदल नहीं सकता, जेपी आंदोलन भी बदलाव किया था, ममता बनर्जी भी बंगाल में तृणमूल करके बदलाव लिया, आम आदमी पार्टी भी, केजरीवाल वहाँ कामयाब हुआ दिल्ली और पंजाब में, झारखंड में कामयाब होने के लिए अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता। मैं भी बोलता हूँ, लिखता हूँ और क्रांति का गीत गाता हूँ, लेकिन 10 आदमी को मिलके जनमत बनाया हूँ। हम लोग सामूहिक नेतृत्व जयराम महतो के साथ, कलेक्टिव लीडरशिप नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन नहीं है और कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है हमारी यहाँ। सब मिलके सोचो, कल परसों किसी को बोला आउट कर दिया पार्टी से 500 रुपया के चलते, चांदाखोरी के नाम से। कुछ लड़का लोगों को क्रीम क्या बोलते हैं कोर कमिटी से आउट कर दिया, उसके पहले बहुत सब बुनियादी लड़का को आउट कर दिया। वो अकेले लीडर नहीं बन सकता है,
नहीं बन सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोला, एकला चलो रे यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे रे तभी तो, वो एक स्लोगान था, कविता था, लेकिन ये आदमी अगल बगल देखना नहीं चाहता। इसका बेसिक जो सोच है ये डेमोक्रेसी नहीं है, हिटलर सा ही ये आदमी है। अकेले ही हम होगा बॉसिज्म, और बहुत बड़ा बॉसिज्म है, स्वयंभू नेता हम ही सब कुछ हैं। आप देख लीजिए, कोई आदमी पार्टी में ये वैकेंसी निकलता है क्या कि 5,100 रुपये फॉर्म फिलअप करो? साला यही का यूपीएससी का फॉर्म फिलअप में उतना ले नहीं लगता, जेपीएससी फॉर्म फिलअप में नहीं लगता, और एमएलए के लिए फॉर्म फिलअप, विधायक के लिए वैकेंसी निकाल दिया, 300 आदमी फॉर्म फिलअप किया, और इनका टोटल अगर हिसाब किया जाए 1.5 करोड़ रुपया है, उसका अकाउंट में पैसा नहीं है अभी, और पार्टी का अकाउंट भी खुला नहीं है। और ये ना तो बीजेपी इस तरह का ढर रहा है, ना कांग्रेस का, ना जेएमएम का, ना जनमत का, ये नया ढर रहा कैसे किया? नौजवान जिसका एज भी नहीं हुआ वो भी 5,000 देके फॉर्म फिलअप कर दिया, भीड़ लगा हुआ था फॉर्म भर, गलत बात है, गलत बात है। भीड़ तो बोलबम में भीड़ नहीं लगता, पानी जो डालता श्रद्धा। जयराम क्या किया है, भाषण का एक जादूगर बन गया है। ये रजनीश का फिल्म देखे हैं कभी, वो फुर करके गाड़ी के ऊपर उड़ जाता है, गाड़ी को ऐसा कर करता है तो आसमान में उड़ जाता है। रजनीकांत, ये रजनीकांत स्टाइल है, वन मैन हीरो हीरोइन नहीं चलेगा, ये हीरो हीरोइन स्टाइल है, पॉलिटिकल स्टाइल नहीं है। इसको हम एक सिरे से डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होना चाहिए, एजुकेशन विथ कैरेक्टर एंड पॉलिटिक्स विथ आइडियोलॉजी। Without our ideology, the any systems cannot be changed. विचार से Karl Marx से रसिया बदला है, Mao Zedong से चाइना बदला है, गांधीवाद से भारत देश बदला हुआ है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्रांति हुई है, और मैंने क्या बोलते हैं ये जो भगत सिंह फांसी हुई प्रेरणा मिलता है, इसके तरफ प्रेरणा, प्रेरणा के प्रतीक सूर्य सिंह बेसरा, रामदयाल मुंडा सोचता था, बीपी केसरी सोचता था, नौ भाषा स्टेब्लिश नहीं है, संस्कृति का झारखंड नहीं है, कैसा झारखंड बन गया? इसको बनाने के लिए हम लोग ये तैयारी किया, ये जो रोटी सेंकना है, दो चार को जीतेंगे और कमा लेंगे। अगर ऐसा होता तो हम क्यों बोलते जनप्रतिनिधि को आपस बुलाओ, क्यों बोलते हम 5 करोड़ रुपया एमएलए फंड को खत्म करो, क्यों बोलते कि 5 करोड़ रुपया गाँव में भेजो, क्यों बोलते कि 20 लाख लोग पलायन को रोको, क्यों बोलते कि हम लोग इस तरह का मैंने आधुनिक झारखंड को बनाओ, क्यों बोलते कि 60% युवाओं के लिए मैंने कोचिंग सेंटर खोल दो, प्रत्येक क्वार्टर में कोटा नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे, भेलोर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा कोचिंग सेंटर करो, बेंगलोर नहीं जाना, ना बेंगलोर जाना पड़ेगा कोचिंग में, ना ट्रीटमेंट में भेलोर जाना पड़ेगा, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, इस तरह बनाएंगे। लीडर है तो आप चेंज करो। ठीक है दादा, ये लक्ष्मण मार्डी और रामदास सोरेन दोनों को कैसे हराएंगे, दोनों मजबूत प्रतिद्वंदी हैं आपके। थोड़ी हमको किंग कोंग और दारा सिंह, चाइना का किंग कोंग और भारत का दारा सिंह फाइटिंग में हराएंगे, थोड़ा जनता के बीच में इलेक्शन में लड़ाएंगे, इसे बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, इसको पाठ पढ़ाएंगे, बिना पाठ मंत्र फूकेंगे, दारू हड़िया से थोड़ी सत्ता बदलेगा जी। हैं, आज जेएमएम का जमाना खत्म हो गया, ये जेएमएम का ये जो किला ध्वस्त हो गया है, जो भागदौड़ हो रहा है वो इसको उसको कैसे जनता हराएगी, जनता को समझ में आएगा, जनता को समझाएंगे, ऑप्शन जनता को देना चाहिए, एक पक्ष विपक्ष है, वर्तमान में सत्ता पक्ष है जेएमएम गठबंधन, विपक्ष में बीजेपी, लेकिन मेरा प्रमाणित है दोनों साथ में, दोनों है, बातें हैं कि एक समय तो दोनों एक साथ है, 28 महीना अर्जुन मुंडा 28 महीना जेएमएम के सपोर्ट में था, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बना बीजेपी के सपोर्ट से, एक बार जेएमएम का हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम बना और सीएम बना अर्जुन मुंडा, सुदेश माथुर डिप्टी सीएम, ये राज देख चुका हूँ मैं, इसीलिए वही ढाक के तीन पार्ट, एक सिक्के के दो पहलू और एक थाली के चट्टे बट्टे बदलना चाहिए ना, अली बाबा 40 चोर बदलेगा और बदलाव करेंगे, बदलेगा, बदलाव भी करेंगे, आधारशिला रख दी है, पिलर भी तैयार हो गया है, बस घर बनने की जो है इंतजार हो रहा है, देखने वाली बात होगी कि जनता इसको कैसे लेती है और क्या सचमुच में जनमत का घर झारखंड में बनता है। न्यूज़ बाय स्कोप लिए कार्यप्रसन्न गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची।